जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपको बहुत स्वागत है और बहुत आभार है। आज का ये टॉपिक जो है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। हाँ, इस वीडियो को आप यहाँ से पूरा देखें, एक एक बात को बहुत गंभीरता से समझें। आपकी बहुत सारी जीवन की परेशानी शायद इस वीडियो को देखने के बाद खत्म हो सकती है। मुझे नहीं पता आपकी कौन सी निजी परेशानी है, लेकिन जो भी परेशानी हो शायद इसके बाद आपको एक हल मिल जाए। तो इसी विषय पर बात होगी और पूरी बात जो होगी पूरी सकारात्मकता पर आधारित होगी और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए उम्मीद भरी और सकारात्मक है। शायद आपकी परेशानी का आपको हल मिल जाए इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपका वक्त ज़्यादा नहीं गंवाना चाहता हूँ। आप चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स में लिख लें ओम नमः शिवाय। और अगर जीवन में कोई परेशानी है आपके और अगर आप परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। अब आते हैं कि जीवन में जितनी भी परेशानी है वो हमारे अच्छाई की वजह से है। थोड़ी सी अलग और टेढ़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है। हम जो लोगों की मदद करते हैं ना, लोगों का भला करते हैं, दया है हमारे मन में, भावना है, संवेदना है, सब है, और बस उस दया और भावना और संवेदनाओं में हम उलझ जाते हैं। लोग हमारी अच्छाई का फ़ायदा उठा लेते हैं, लोग हमारे धन का दुरुपयोग कर लेते हैं, बाद में हमें ही बुरा बनाते हैं, और इनकी वजह से जो हमारा अच्छा वक्त चल रहा था वो बुरे वक्त में हम आ जाते हैं। तो पहली बात है, दया करो, जितनी करना हो उतनी करो, लेकिन उतनी ही करो दया जितनी कि हमारे बस में हो। मतलब कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो 10 रुपये दान करें, 90 रुपये सेव करके रखें, इस तरह की दया करें, इस तरह की मदद करें। मदद के लिए आज के इस युग में आर्थिक सपोर्ट जो है वो बहुत खास हो, कि बहुत ही ज़्यादा रेयर एंड रेयर है, वहीं की जा सकती है, बाकी अपने हाथ पीछे खींच कर रखें। क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी अभी आर्थिक तौर पर लोगों को जूझना पड़ रहा है, आने वाले कुछ दिनों से भी, कुछ सालों से भी। और ये जो दशक चल रहा है इसमें ये बहुत ज़्यादा मैंने एनालिसिस किया है कि लोगों के साथ आर्थिक रूप से ज़्यादा दिक्कत आ रही है, और वो उधार में पैसे फंस जाना, किसी को दे देना, किसी के बुरे वक्त में मदद कर देना, एक ये बहुत बड़ी चीज़ है। मदद करें और वो बाहर निकलने के बाद हमें ही बुरा बनाते हैं, और हमने पैसा देके जैसे गलती किया, और हम कई बार हमारी व्यवहार ख़राब हो जाते हैं। व्यवहार ख़राब उनकी ओर से होते हैं, हम नहीं करते, क्योंकि हमें भी आवश्यकता होती है पैसे की, हम पैसे मांगते हैं और चीज़ें बड़ी चीज़ें तनातनी में फंस जाती। तो एक गांठ बांध ले कि मदद धन की बिल्कुल करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मदद से बिल्कुल लोगों की मदद करें, लेकिन एक बार ऑब्जर्वेशन करें, एनालिसिस करें, और 100 रुपये हैं अगर तो हमारे परिवार, फैमिली और ख़ुद की जिम्मेदारी के लिए पहले पैसे सेव करके अलग रखें, और अगर एक्स्ट्रा हो तो ही मदद पर आर्थिक रूप से जाएं, अन्यथा ना करें। क्योंकि मैं बहुत से जातकों से बात करता हूँ, उसमें एक बहुत बड़ी ये बात बाहर उभर के आई है कि आपकी अच्छाई का, आपके अच्छेपन का, आपका अच्छे व्यवहारों का, आपके ईमानदारी का दुरुपयोग हुआ। खैर, ईश्वर उनका न्याय जरूर करता है, पर आप उस स्थिति में अस्थिर हो जाते हैं, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ। अच्छा लगा, लाइक करो।